अस्सलाम वालेकुम भाई। टॉपिक का नाम है मियोसिस। पहले हमने माइटोसिस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। बेटा मियोसिस बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसमें एक सेल से हम चार सेल बनाएंगे। मतलब एक सेल डिवाइड होगा तो कितने बनेंगे? चार सेल्स बनेंगे। और बेटा मियोसिस डिप्लोइड सेल्स में होता है, हैप्लोइड में नहीं होता है। डिप्लोइड सेल्स कौन सा होता है? 2n। जो 2n सेल्स है उसके अंदर मियोसिस नजर आती है, 1n के अंदर आपको मियोसिस का प्रोसेस नजर नहीं आता। 2n डिप्लोइड सेल में होता है, जैसे कि जर्म सेल्स। एनिमल सेल में देखा जाए तो गैमेट जितने भी होते हैं ये मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जितने भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो मियोसिस के जरिए से होती है। और मियोसिस की पहचान है, बड़ी सिंपल पहचान है, कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं इन डॉटर सेल। मतलब डॉटर सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये पहचान है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे, ना कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो आपको डॉटर सेल में नजर आएंगे। अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो बेटा वो माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है। मियोसिस की पहचान है कि बेटा यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको नजर आते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। ये नॉट आइडेंटिकल, पेरेंट्स और डॉटर सेल यहाँ पे सेम नहीं बनते कि जैसे पेरेंट था वैसे डॉटर का सेल होगा। ये क्या आइडेंटिकल यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन नहीं होती। मियोसिस को दो में डिवाइड करते हैं, मियोसिस वन मियोसिस टू। याद रखिएगा मियोसिस वन में वन सेल से टू सेल बनेंगे और वही टू सेल आगे जाके चार सेल में डिवाइड होंगे मियोसिस टू के अंदर। तो एक से दो बने मियोसिस वन, दो से चार बने मियोसिस टू। ये रिडक्शन फेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं मियोसिस वन के अंदर। और जो मियोसिस टू है यहाँ पे रिडक्शन फेज नहीं, ये एज लाइक माइटोसिस है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जितने थे उतने ही आगे जाएंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 46 है तो यहाँ पर क्या होगा, 46 से 23 ये ले हाफ हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या था 23, तो यहाँ पे 23 आगे कितने बनेंगे, 23 ही जाएंगे। ठीक है, तो एक साल से जो दो साल बने हैं तो पहले साल के पास 46 है, तो दो साल जो आए दोनों के पास कितने होंगे, 23 हैं। यहाँ पे जो दो साल डिवाइड होंगे आगे तो वो 23 ही आगे जाएंगे। मतलब वहाँ पे आगे रिडक्शन नहीं होगी, सेम एज अ माइटोसिस है। यहाँ पे सेपरेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, और यहाँ पे सेपरेशन किसकी बड़ा, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम की। ये देख सकते हैं ये एक पूरा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया, तो यहाँ पे किसकी सेपरेशन हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है इसका एक स्टैंड इधर गया, एक स्टैंड इधर गया, तो यहाँ पे क्रोमाटिड की सेपरेशन है। इसे तो मैंने कहा था 23 पीछे तो आगे भी 23 जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे, यहाँ पे क्रोमोसोम के डंडे सेपरेट हो रहे हैं, जिसका नाम क्या बड़ा, क्रोमाटिड है। तो यहाँ पे क्रोमाटिड सेपरेट होंगे और यहाँ पे बड़े क्या, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, और वो कौन से वाले बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देख सकते हैं जैसे मैंने अभी पीछे बताया है कि ये 46 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये सेल डिवाइड हुआ तो पहले कितने बन गया, वन सेल बनेगा, टू सेल बनाएगा, और एक से दो सेल बनाई क्या है, मियोसिस वन है। तो 46 से आगे जितने आए उसके बाद क्या आएंगे, 2, 3, 2, 3 आएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद है, ठीक है, ये दो डंडों वाले मौजूद हैं, ये क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। फिर आगे ये दो सेल डिवाइड होंगे तो चार सेल में डिवाइड होगा और ये क्या हो गया, मियोसिस टू होगा। अब ये जो क्रोमोसोम है ना इसके डंडे सेपरेट हो रहे हैं और हर एक के पास क्या आ रहा है, एक एक स्टैंड आ रहा है, हर एक के पास क्या होगा, एक एक क्रोमाटिड होगा। तो यहाँ पे क्रोमाटिड की सेपरेशन हो रही है और यहाँ पे बड़े किसकी हो रही है, क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है। तो जहाँ पे क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है जिसमें एक साल से दो साल बन रहे, ये मियोसिस वन है। जिसमें क्रोमोसोम के क्रोमाटिड की सेपरेशन हो रही है और दो से चार बन रहे, ये कौन सी बेटा, मियोसिस टू है। तो पहले हम देखेंगे मियोसिस वन और मियोसिस टू। आपने पढ़ा हुआ है माइटोसिस, सारी माइटोसिस यहाँ पे लिखनी है, ये पढ़ने वाला नहीं है, ये माइटोसिस है, लेक्चर अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा, ये माइटोसिस है। ठीक है बेटा, मियोसिस वन, मियोसिस वन में सबसे पहले देखिएगा बेटा कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में अगर देखा जाए तो कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। मगर मियोसिस का जो प्रोफेस वन है ना, प्रोफेस वन, मियोसिस वन का जो आपको नजर आ रहा है प्रोफेस वन, ये बहुत लंबा है। इसमें आगे फर्दर डिवीजन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीबिटी कहते हैं इसको, पैकेटीन भी कह देते हैं, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो ये चार, ये जो पांच फेजेज हैं ये आपको किसके अंदर नजर आ रहे हैं, प्रोफेज के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। उसके बाद आएगा मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। मैंने माइटोसिस में जनना सा आपको स्केच बताया था, मगर अगेन यहाँ पे बताऊंगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। तो पहले देखते हैं प्रोफेज वन का पहला फेज लेप्टोटीन, बड़ा फ्यू आवर्स का होता है, कुछ घंटों का ये है, याद रखिएगा। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होता है, शॉर्ट और थिक होता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे इंक्रीज साइज होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, क्रोमोसोम विजिबल, शॉर्ट और थिक होगा, लेप्टोटीन ख़त्म हो गया। जैगोटीन फॉर फ्यू आवर्स का होगा, कुछ घंटों का, अगर फ्यू का वर्ड आ गया याद रखिएगा। यहाँ पे साइनेप्सिस होती है,
साइनेप्सिस का मतलब क्या है, शॉर्ट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनती है, जैसे ये एक क्रोमोसोम ये एक दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों क्या क्या हो रही है पेयरिंग बनी है, ये साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है जिसमें बाइवेलेंट टेट्रेट फॉर्मेशन होती है। बाइवेलेंट टेट्रेट का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिन, तीन क्रोमेटिन, चार क्रोमेटिड, तो चार क्रोमेटिड है तो इसलिए इसको कहते हैं टेट्रेट, ये चार क्रोमेटिड है इसलिए टेट्रेट कहते हैं। इनकी पेयरिंग का नाम क्या, देयर कॉल्ड साइनेप्सिस। जाइगोटिन में सिर्फ एक काम हुआ साइनेप्सिस हुआ, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटिन खत्म हुआ। पैकेटिन फॉर डेज वीक ईयर्स, घंटों का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है, पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेगमेंट। यहाँ पे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेगमेंट है ये क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और इस दौरान ये जो शेप बनेगी एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बनेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं जो कि इस वक्त बनता है क्रॉसिंग ओवर के वक्त, देयर कॉल्ड क्यास्माटा। तो क्यास्माटा फॉर्मेशन होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, क्रॉसिंग ओवर यहां पर होगी, साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगी, यह है पैकेटिन है। ठीक हो गया बेटा, डिप्लोटीन आ गया। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम बने ये एक दूसरे से रिपेल होंगे, रिपेल टू ईच अदर, सेपरेशन यहां स्टार्ट हो जाती है। डिप्लोटीन की पहचान मैंने बता दी, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, पेयर जो क्रोमोसोम है जो पेयर की शक्ल में है ये एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, नफरतें बढ़ जाएंगी, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, पेयर क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। डिप्लोटीन हो गया। डायगेनेसिस जो कि मैंने बताया लास्ट है प्रोफेज का, यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन होती है वो क्रोमोसोम की डायगेनेसिस में। यहाँ पे सेपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी मगर जुड़ा होगा, यूनाइटेड होगा अनटिल ऑफ क्यास्माटा पार्ट। तो ये एक जगह पे जुड़ा होगा जो कि क्यास्माटा वाले पार्ट पे जुड़ा, बाकी पूरा सेपरेट हो चुका होगा और मैक्सिमम कंडेंसेशन आपको नजर आती है कि इसमें बड़ा डायगेनेसिस के अंदर। तो मैंने यहाँ फेजेस बताया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगेनेसिस। लेप्टोटीन में मैंने क्रोमोसोम के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में बताया, जाइगोटीन में साइनेप्सिस के बारे में बताया, पैकेटीन में साइनेप्सिस, क्रॉसिंग और क्यास्माटा के बारे में बताया, डिप्लोटीन में मैंने पेयर क्रोमोसोम और सेपरेशन के बारे में बताया, और डायगेनेसिस मैंने क्या बताया, क्रोमोसोम और सेपरेशन के बारे में बताया। इसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज में स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे खत्म होगी, खत्म हो जाएगी, स्पिंडल बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ये अलाइन हो जाएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, सारे सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, स्पिंडल बन चुका है, माइटोटिक अपैरेटस बन चुका है। एनाफेज एक क्रिटिकल फेज है जिसको रिडक्शन फेज भी कहते हैं, इसमें सेपरेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है 23 एक तरफ जाएंगे, 23 एक तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे। टीलोफेज वन के अंदर ये रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा माइटोटिक अपरेटस, यहाँ पे माइटोटिक अपरेटस क्या होगा, खत्म होगा, ऑर्गेनाइज होगा न्यूक्लोलस और दो न्यूक्लाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा, दो न्यूक्लाई भी बनेंगे और माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ठीक हो गया, और इसके अंदर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और यहाँ पे दोबारा न्यूक्लोलस बन जाएगा, क्रोमेटिन अगेन नजर आएगा, सेंट्रियोल ऊपर आ गया, इस तरह से एक सेल से दो सेल बन चुके हैं, यह है टीलोफेज वन के बाद। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मियोसिस वन के अंदर एक सेल से दो सेल बनेंगे और हाफ नंबर क्रोमोसोम होंगे, इसके पास कितने होंगे, 23 हैं, इसके पास कितने बड़े 23 क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको नज़र आते हैं। और इसके बाद जो स्टार्ट होती है वो मियोसिस टू है, जो कि बेटा कौन सी माइटोसिस, और माइटोसिस का लेक्चर ले लीजिएगा, सेम टू सेम वही का सारा लेक्चर है जो कि मैंने पहले का पहले अपलोड कर दिया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।